द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट्स आर आइंस इन ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम फार्मूला आर ग्राम आइन इज कॉल्ड एक एटम का जो है सोडियम का 23 टाइम्स है तो डेफिनेटली जब 10 पार्टिकल ले लिए हैं तो इसके भी 10 है और इसके भी 10 है तो डेफिनेटली इसका जो है अब भी 23 टाइम्स ही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। तो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हम चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर आज हमने 12 डिस्कस करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की तरह का ही टॉपिक है। उसके अंदर जैसे हमने चार डेफिनेशंस बनाई थी इसके अंदर भी हमने वैसे ही चार पॉइंट्स को लेना है और उसके लिहाज से ही हमने यहाँ पर डेफिनेशन बनानी है। तो जैसे उसके अंदर चार पॉइंट्स लिए थे वही चार पॉइंट्स जो है इसके अंदर लेने हैं। तो उसके अंदर जो चार पॉइंट्स लिए थे हमने वो कौन कौन से लिए थे, हमने जो स्पीशीज़ ली थी उसके अंदर तो हमने चार स्पीशीज़, एक तो एलिमेंट लिया था ठीक है जी, और एक जो है वो कोवलेंट कंपाउंड, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट जो है वो है आयनिक कंपाउंड था हमारे पास, और चौथा पॉइंट जो था वो हमारे पास था आयनिक स्पीशी। तो ये हमारे पास चार पॉइंट्स थे जिसकी मदद से हमने देखना था। तो हमें पता था कि एलिमेंट्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं ठीक है जी। एलिमेंट्स के अंदर क्या मौजूद थे, एटम्स। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद थे, मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीज़ें हम पीछे मॉलिक्यूल मोल वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूल है, और आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद होते हैं, फार्मूला यूनिट्स होते हैं, और जो आयनिक स्पीशीज जो है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, आयंस मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको आना चाहिए, जो कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर किया था वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब एवोगैड्रोस नंबर जो है वो डेफिनेटली नंबर के लिहाज से हमने देखना है। मोल जो है वो हम ज़्यादातर देखते हैं अमाउंट के लिहाज से ठीक है जी। तो उसके अंदर हमने देखा था कि एटम का जो एटॉमिक मास था उसको ग्राम्स के अंदर शो कर दिया, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स के अंदर शो कर दिया, फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्राम्स के अंदर शो कर दिया, और आयंस के आयनिक मास को ग्राम्स में शो कर दिया, तो एक मोल बन जाता था ठीक है जी। अब हमने देखना है एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन कि एवोगैड्रोस नंबर कितने कोई पार्टिकल्स की तादाद होती है। तो इसकी ओवरऑल जो डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं वो कैसे बन जाएगी, कि यहां पर आपने लिखना है द नंबर ऑफ ठीक है जी, और फिर आपने ये सारी चीजें लिख देनी है, द नंबर ऑफ एटम्स ठीक है जी, द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट्स एंड आइंस ठीक है जी, या आइंस कह सकते हैं, चले द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट या आइंस। अब ये किन किन चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं ये भी हमने देख रखा है। जो एटम्स है उससे जो मोल बनता है वो कौन सा होता है, उसका एक और नाम होता है ग्राम एटम, ऐसे ही है, और जो इसका मोल बनता है इसका नाम होता है ग्राम मॉलिक्यूल। इसका जो मोल बनता है वो क्या बनता है, ग्राम फार्मूला। और इसका जो मोल बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, ग्रामाइन। तो सिंपल हमने क्या किया है कि एक मोल जो है हर एक का लिख दिया है ठीक है जी। एटम का भी एक मोल लिख दिया है, और मॉलिक्यूल का भी एक मोल लिख दिया है, और फार्मूला यूनिट्स का भी एक मोल लिख दिया है, और आइंस का भी एक मोल लिख दिया है सबका। अब सारों का एक एक मोल लिख दिया है, तो सिंपल हम कह रहे हैं कि एक मोल किसी भी चीज़ का हम ले लें तो उसके अंदर उस चीज़ की तादाद, उसके पार्टिकल्स की जो तादाद होगी उसे हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे ठीक है जी। एक मोल हम किसी भी चीज़ का ले लें और उसके अंदर जो है उसके पार्टिकल्स की जो तादाद होगी उसे हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे ठीक है जी। तो दोबारा हम जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कैसे बना सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट्स आर आइंस इन, अब यहां पर आपने क्या लिखना है, इन लिख देना है ठीक है जी। तो द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट्स आर आइंस इन ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम फार्मूला आर ग्राम आइन इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपने यहां से डेफिनेशन जो है बना लेनी है, क्लियर हो जाएगी बात। अब हमने डिस्कस करनी है इसके एग्जांपल, जो कि हम ग्राम एटम के लिहाज से देखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल के लिहाज से, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन के लिहाज से, हर एक के लिहाज से हमने एग्जांपल को देखना है।
ठीक है जी। तो ग्राम आए एटम के लिहाज से पहले देख लेते हैं, तो ग्राम एटम क्या होगा, जैसे कार्बन जो है, अब कार्बन का हम देखते हैं, तो कार्बन का ग्राम एटम कब बनेगा, जब ग्राम अटोमिक मास जो है इसका, उसको ग्राम्स के अंदर शो कर देंगे। तो कार्बन का अटोमिक मास कितना होता है, 12 AMU, और डेफिनेटली इसको हम क्या कर देंगे, 12 ग्राम शो कर देंगे। ठीक है जी। जैसे सोडियम है, अब सोडियम का अटोमिक मास कितना होता है हमारे पास, 23 AMU होता है। ठीक है जी। और इसको हम क्या कर देंगे, 23 ग्राम में शो कर देंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अब ग्राम मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, H2O है हमारे पास, अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 AMU। अब इसको 18 ग्राम में शो कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 18, इसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी। जैसे फार्मूला यूनिट की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड को ही ले लेते हैं, NaCl, इसका जो फार्मूला मास होता है वो कितना होगा, 58.5 AMU, और जब इसको 58.5 ग्राम्स के अंदर शो कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 ग्राम फार्मूला, या इसका 1 मोल बन जाएगा। और आयंस की बात करें, जैसे कि SO4-2 हमने बात की थी, तो इसका 96 AMU इसका आयनिक मास है, और अगर इसको हम क्या कर दें, 96 ग्राम्स कर दें, तो ये इसका 1 ग्राम आयन कहलाएगा, या 1 मोल कहलाएगा। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं मोल की ही, इन सिंपल जो है बात कर रहे हैं, तो सारों का हमने एक एक मोल बना लिया है, और जब 1 मोल होता है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी आप कार्बन या सोडियम के अंदर क्या मौजूद होंगे, एटम्स की तादाद, H2O के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, NaCl के अंदर फार्मूला यूनिट्स की तादाद होगी, और SO4-2 के अंदर आयंस की तादाद होगी। ठीक है जी। हर एक के अलग अलग उसके रिस्पेक्टिव जो पार्टिकल्स होंगे वो हमने देखने हैं। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी, सब के अंदर मतलब, क्योंकि सबका एक एक मोल बन रहा है, तो डेफिनेटली सब के अंदर सेम पार्टिकल्स की तादाद होगी, और वो कितनी होगी, 6.02 × 10⁻²³ होती है, और इसको हम Na से शो करते हैं। ठीक है जी। तो अब डेफिनेटली कार्बन का जब हम 12 ग्राम लेंगे, तो उसका 1 मोल कहलाएगा, ग्राम एटम कहलाएगा, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद, यानी एटम्स की तादाद होगी कार्बन की, वो कितनी होगी, 6.02 × 10⁻²³ एटम्स की तादाद होगी। ठीक है जी। और जब वाटर का हम 18 ग्राम ले लेंगे, ठीक है जी, क्या किया है हमने, उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स के अंदर ले लिया है, तो 18 ग्राम जब ले लेंगे, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वाटर की, वो कितनी होगी, 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। और जब हम फार्मूला यूनिट्स या आयंस की बात करेंगे, तो वैसे ही आपने उसके अंदर भी बता देना है कि जो आयनिक मास या फार्मूला मास होगा, उसको हमने ग्राम्स में शो करना है, 1 मोल बना देना है, और 1 मोल के अंदर जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद या आयंस की तादाद जो होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे, और इसको हम शो किस चीज़ से करते हैं, Na से शो कर देते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर का हल्का सा कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा सा और टॉपिक को डिस्कस करना है। जैसे वो कहता है कि अगर हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं कार्बन एटम की, सॉरी कार्बन और की बात नहीं करते, पहले हाइड्रोजन और सोडियम का कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोजन है हमारे पास एक, और दूसरा इसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं सोडियम का। अब डेफिनेटली हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU, और सोडियम का होता है 23 AMU। तो एक जो हाइड्रोजन एटम होगा, उसका जो एटॉमिक मास है, उसका जो मास होगा, उसका वेट होगा, वो कितना होगा, 1 AMU, और जो सोडियम है उसका कितना होगा, 23 AMU। तो अगर हम देखें, तो एक एटम जो है सोडियम का, वो हाइड्रोजन से कितना ज़्यादा भारी है, वो 23 टाइम्स जो है वो हैवियर है किस चीज़ से, हाइड्रोजन से। सोडियम का एक एटम जो है वो हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है, 23 टाइम्स भारी है। ठीक है जी। एक एटम की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करें मास के लिहाज से, तो अगर हमने 1 मोल बनाना है, क्या बनाना है, दोनों का 1 मोल बनाना है, तो हाइड्रोजन का जितना भी मास लेना है, हमने सोडियम को जो है उसके 23 टाइम्स मास लेना होगा। ठीक है जी। तब जाके उसके पार्टिकल्स की तादाद जो है वो सेम होगी। ये हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है जी। लेट्स से मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन का जो मास है, सिंपल वर्ड्स के अंदर, जो बुक के अंदर नहीं लिख रखा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन का मास है हमारे पास, लेट्स से मैं कहता हूं कि 1 ग्राम है, एक का कितना है, 1 ग्राम, और इसका है 23 ग्राम,
और मैं कहता हूं कि एक मोल के अंदर जो है चाहे हाइड्रोजन का ले लें या सोडियम का ले लें, मैंने कहा हुआ है कि एक मोल के अंदर कितने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23, ये बहुत ज़्यादा है, हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक मोल के अंदर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 10 पार्टिकल होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं? 10 पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं, फ़र्ज़ कर लिया मैंने। अब कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक मोल दोनों चीज़ों का लेता हूँ और उसके अंदर मास देखता हूँ कि आया कि 23 टाइम्स लिया है या नहीं लिया, क्योंकि अगर एक मोल लूँगा तो इसके भी 10 पार्टिकल लेने पड़ेंगे और इसके भी कितने लेने पड़ेंगे, 10 पार्टिकल ही लेने पड़ेंगे। तो पार्टिकल्स की तादाद को सेम रखते हुए इसका मास कितना हो जाएगा और इसका मास कितना हो जाएगा, तो अगर इसके 10 पार्टिकल हो, एक का है 1 ग्राम, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, ऐसे ही है। और सोडियम का कितना हो जाएगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230 जो है वो ग्राम्स इसका मास हो जाएगा, जब एक मोल की बात कर रहे हैं, एक मोल के अंदर इसके भी 10 पार्टिकल है और इसके भी कितने हैं, 10 पार्टिकल हैं, ठीक है जी। इसका 10 ग्राम है और इसका कितना है, 230 ग्राम है। जब एक एटम का जो है सोडियम का 23 टाइम्स है, तो डेफिनेटली जब 10 पार्टिकल ले लिए हैं तो इसके भी 10 है और इसके भी 10 है, तो डेफिनेटली इसका जो है अब भी 23 टाइम्स ही होगा। बात समझ में आ रही है कि जब एक एटम का 23 टाइम्स है तो चाहे 6.02×10 की ताकत 23 पार्टिकल्स हो, 10 पार्टिकल हो या 1 पार्टिकल हो, अगर पार्टिकल्स की तादाद सेम है तो मास जो है जैसे एक का कंपैरिजन कर रहे हैं वैसे ही हमने बाकी पार्टिकल्स के लिहाज से कंपैरिजन करना है, ठीक है जी। आपकी बुक के अंदर पहले मासेस का कंपैरिजन करके और फिर पार्टिकल्स की तादाद बता रखी है, मैंने उलट कर दिया है कि पहले पार्टिकल्स को बराबर करके और फिर मासेस का कंपैरिजन किया है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि मतलब क्या हुआ, अगर एक एटम सोडियम का जो होता है उसका 23 टाइम्स है हाइड्रोजन के लिहाज से, तो अगर पार्टिकल्स की तादाद को सेम रखना है तो मासेस के अंदर जब ले रहे होंगे तो उसके अंदर भी हमने क्या करना है, सोडियम को हाइड्रोजन से 23 टाइम्स ही लेना है। अगर 230 को देखें तो वो 10 का क्या है, 23 टाइम्स ही है, ठीक है जी। तो मास के अंदर जब हम क्या लेंगे, 23 टाइम्स ही लेंगे, तो इसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, जैसे 10-10 पार्टिकल की मैंने मिसाल दी है, ठीक है जी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, पहले तो आपने डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट देना है, फिर अलग अलग हर एक के लिहाज से एक्सप्लेन कर देना है, और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब लास्ट में जो है वो है हमारे पास के इसके फार्मूलाज जो है वो कैसे बना सकते हैं, तो सारों का फार्मूला जो है वो सिंपल सा है, तो मैं एक ही फार्मूले के अंदर सबको बता देता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे मालूम कर सकते हैं, किसी भी चीज के मोल जो है मालूम कर लेने हैं हमने, कैसे, मास किसी भी स्पीशी का ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, एन ए कर देना है। अब मोलर मास जो है वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, फार्मूला मास भी हो सकता है, या आयनिक मास भी हो सकता है, ठीक है जी। तो सीपीसी का मास लेना है और उसी सीपीसी का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, एनए, और उससे हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे फार्मूला मास जो है दिया हुआ है, ठीक है जी, एनसीएल का मैं मालूम करना चाहता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स की तादाद जो है मालूम करना चाहता हूं। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैसे मालूम करूंगा, एनएसीएल का कोई मास दे रखा होगा हमारे पास, वो ऊपर रखना है, एनएसीएल का फार्मूला मास हमें पता है 58.5 है, वो हमने नीचे रखना है, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स की तादाद जो है वो आ जाएगी। ऐसे ही हमने बाकी सारी चीजों के कंपैरिजन कर लेने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो निकाल लेंगे, क्लियर हो जाएगी बात। अब उसके अंदर ही एक और जो है पॉइंट, हमने पहले तो एक डेफिनेशन कर ली है, फिर सबकी एग्जांपल कर ली है, फिर एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट जो है उसकी इक्वेशन वाला हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है एक और डिस्कस करना है, फिर हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो कौन सा है, कि हम एक मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद को भी मालूम कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, हमने कंपैरिजन करना है जस्ट, जैसे एक मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है जी। एक अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं एटम और एक क्या है, ऑक्सीजन का है। तो जब हम क्या लेते हैं, एक मोल हम क्या ले लेते हैं, 18 ग्राम H2O ले लेते हैं,
तो उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 6.02 × 10³³ मॉलिक्यूल्स की तादाद। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन है तो 6.02 × 10³³ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, डेफिनेटली दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक अगर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर दो है, तो इस सारे के अंदर क्या होगा, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम हाइड्रोजन की तादाद जो है मालूम कर सकें। और अगर हमने ऑक्सीजन की मालूम करनी है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही है तो डेफिनेटली 6.02 × 10³³ के अंदर भी उतने ही मौजूद होंगे। अगर हम ओवरऑल तीनों एटम्स की बात करते हैं, ठीक है जी, ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, हम टाइप्स ऑफ एटम्स की बात नहीं करते, हम अलग से हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, हम अलग से ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन हैं, तो डेफिनेटली तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या आयंस जो है मालूम कर सकते हैं इस तरह, ठीक है जी। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि H2SO4 है, H2SO4 जो है आयोनाइज होता है और इसके नंबर ऑफ आयंस जो है मालूम कर रहे हैं। तो जब आयनाइज होता है तो दो हाइड्रोजन के आयन बनाता है और प्लस सल्फेट का आयन एक बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए हैं, तीन। तो तीन से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो भी सल्फ्यूरिक एसिड के लिहाज से आएगा, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड के लिहाज से लेट्स से मैं कहता हूं कि 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10^23 जो है वो मॉलिक्यूल्स थे, या मॉलिक्यूल्स ये कहेंगे, ठीक है जी, कितने थे, 3.1001 मल्टीप्लाई बाय 10^23 मॉलिक्यूल्स थे। तो नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से तीन बन रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। क्लियर हो जी की बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये वाला जो डेफिनेशन है वो करनी है, डेफिनेशन करने के बाद आपने हर एक की अलग अलग एग्जाम्पल के लिहाज से एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद तीन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, पहला पॉइंट जो है वो ये वाला हाइड्रोजन और सोडियम वाला, कि एक एटम जो है सोडियम का 23 टाइम्स है, तो डेफिनेटली जब मास के अंदर लेंगे तब भी हमने 23 टाइम्स ही मास लेना है ताकि नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम रहे, और वो मैंने आपको बताया था 10-10 एटम के लिहाज से, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो है आपने इक्वेशन के लिहाज से बताना है कि हर एक के नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स और नंबर ऑफ आयंस जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। मास जिस स्पीशी की मालूम करनी है तो उसको ऊपर रखना है, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या मोलर मास हम सिंपल कह देते हैं तो उसको नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, NA, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आ जाएंगे। और थर्ड पॉइंट जो है वो हमने क्या करना है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमने मालूम करना है नंबर ऑफ एटम्स या उससे जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं नंबर ऑफ आयंस, वो कैसे मालूम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर के साथ, ठीक है जी। जितने एटम्स मौजूद हैं या जितने आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं हम टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। तो नेक्स्ट जो है हमने डिस्कस करना है स्टोइकोमेट्री, हम डिस्कस करेंगे और मोलर वॉल्यूम जो है वो देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।